नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता के आवाज। जिस समय आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में मौजूद है। जैसे ही हरियाणा के अंदर भाजपा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होती है तो सियासी हलचल जो है तेज हो जाती है। आपको बता दें कि लगातार जो है कहीं ना कहीं जो भाजपा की लिस्ट जारी हुई है वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए घातक साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत से नेता जो है वो नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है लगातार देखा जा रहा है कि नेताओं को मनाने काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके घर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आज जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है करनाल की पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता के निवास स्थान पर पहुंचे हैं उनको मनाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करती हुई पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता नजर आ रही थी और पार्टी को अलविदा कहती हुई भी नजर आ रही थी। तो देख सकते हैं कि अपने काफिले के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल की पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता के निवास स्थान पर पहुंचे हैं। और विधायक के नाते मेरा यहाँ आना जाना रहता है, परिवार के अंदर मैं आया हूँ, परिवार से बातचीत किया है और चुनाव चल रहा है। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा के लोग बना रहे हैं और मैं लगातार लोगों के बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाता रहता हूं। अभी नॉमिनेशन चल रहे हैं, 12 तारीख तक नॉमिनेशन है और लोगों का जो रुझान, जो उत्साह, जो जोश आज देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। सर, अब नॉमिनेशन कब कर रहे हैं आप? मैं 10 तारीख को नॉमिनेशन कर रहा हूं लाडवा से, और लाडवा के लोगों का बड़ा प्यार आशीर्वाद वो मिल रहा है। पहले करनाल के लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया मैं उससे अभिभूत हूं। करनाल के लोगों को प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। अब लाडवा के लोगों का आशीर्वाद और प्यार भरपूर मिलेगा। करनाल मेरा घर है, करनाल के लोगों को आगे भी क्योंकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हम नहीं आने देंगे। करनाल को कभी भी इस बात से महसूस नहीं होने देंगे कि ये सीएम सिटी नहीं है, ये सीएम सिटी के रूप में ही करनाल आगे बढ़ेगा। करनाल के लोगों का बहुत आशीर्वाद और प्यार, मैंने कहा है कि उससे मैं अभिभूत हूँ। जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, मैं आज इतनी भगदड़ अपनी कोई भगदड़ नहीं, मैं अपनी दीदी के यहाँ, मैं अपनी दीदी के यहाँ रेणु बाला गुप्ता जी के यहाँ मैं आज चाय पीने के लिए आया था और जब मेरा मन करता है मैं घर पे आ जाता हूँ। इन तीन दिनों में भी मेरे लिए एक अच्छा सहारा बन के मेरे जिस तरह से सहयोग प्यार दिया, 11 साल तक के वो मेरे साथ जुड़े रहे। और जब कोई ऐसी स्थिति आती है तब पता चलता है कि अपने परिवार में, समाज में और सभी मेरे समर्थक, मेरे भाई बंधु, मेरे परिवार के सदस्य मेरे साथ जुड़े रहे हैं। और मैं एक एक क्षण में ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगी। मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा है कि मुझे 2-3 दिन का समय दो, मैं अपने परिवार से बात करके इस बात में। क्या मनोहर लाल जी से भी बात हुई है आपकी फोन पर? क्या मनोहर लाल जी से भी आपकी फोन पर बात हुई है? मनोहर जी का फोन हमारे पास आया है और मनोहर जी ने भी इस बात के लिए कहा है कि वो भी इस बारे में सोचेंगे और इस बारे में विचार करेंगे। बट जब आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो सबने बातचीत कर दिया, हमें इसके लिए 2-3 दिन का समय मांगा है। उन्होंने बोला क्या है, किस काम के लिए समय मांगा? तो हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करके उनकी तरफ से क्या कहा गया? उनकी तरफ से तो यही कहा गया है कि भाई पार्टी के आप निष्ठावान कार्यकर्ता हो और आप पार्टी के लिए काम करो और पार्टी आपके साथ खड़ी है और आप पार्टी का सहयोग। तो वो परिवार के लोगों की एक बड़ी बैठक बुलाएंगे और उसको बुला के उसमें निर्णय लेंगे। जो वो परिवार
तय करेगा वो हम पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री जी को सबको बता देंगे। कब बैठक? कब? 3 दिन का समय मांगा है वो हम, मतलब 10 तारीख तक कभी भी कर सकते हैं। मैम कुछ कहना चाहेंगे? आपने अपनी क्या बात रखी है, इस समर्थक क्या चाहते हैं आपके? खरनाल की जनता चाहती है कि एक सीएम सिटी का दर्जा, हमने बड़ी मेहनत से इसको दिया था। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने लाड़वे से लड़ने का एक संगठन ने निर्णय लिया है, परंतु विधानसभा हमारी खरनाल की जनता, हमारे खरनाल के कार्यकर्ता खोना नहीं चाहते, तो ये बात मैंने माने मुख्यमंत्री जी से कही। एक बात और बहुत बड़ी बात हमने रखी है, मैंने रखी है एक बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप जो भी निर्णय करो वो अच्छा करना, और जो भी निर्णय अच्छा करना, और जितने कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे सबने ये कहा। करनाल विधानसभा किसी भी तरह से मेरी करनाल विधानसभा की हानि नहीं होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने एक मुस्त कहा है उनको कि आप करनाल आओ, आप एक दिन नॉमिनेशन भर के जाओ और हम पूरा चुनाव आपके लिए लड़ेंगे। आपने ये बोला है कि वो खुद चुनाव लड़े, खुद चुनाव लड़े करनाल से पूरे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी। उपल जी तो देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है आज करनाल में पहुंचे थे। पूर्व मेयर रेनू बाला गुप्ता के यहाँ पर काफी देर तक जो है मीटिंग हुई, यहाँ पर हमने बातचीत भी की है, सीएम साहब से भी हमने बातचीत की और रेनू बाला गुप्ता से भी हमने बातचीत की। और देखा जा रहा है जब से पहली लिस्ट जारी हुई है भाजपा की, तब से जो है नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम नेता। देखा जा रहा है कि कई नेता तो जो है पार्टी को अलविदा कहते हुए भी नजर आ रहे हैं, और रेनू बाला गुप्ता भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई देती है और कहती है कि पार्टी में मैंने इतने सालों तक जो है काम किया, बड़ी शिद्दत से काम किया, ईमानदारी से काम किया, और कहीं ना कहीं जो टिकटों का बंटवारा हुआ है वो मेरिट के आधार पर नहीं हुआ, ऐसा जो है पूर्व मेयर रेनू बाला गुप्ता जो है कहती हुई नजर भी आई। यहाँ पर हमने बातचीत भी की, पूर्व मेयर रेनू बाला गुप्ता से भी बातचीत की और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी हमने बातचीत की। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और अपने काफिले के साथ जो है आज करनाल में पहुंचे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी।